बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ द वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन फॉर द किंग्स इंटरनेशनल कॉलेज, ताकि उनको पता चल सके कि प्याज़ा के ऊपर उन्हें कैसे लॉगिन अपना क्रिएट करना है। सबसे पहले जाएंगे और वेबसाइट लिखेंगे प्याज़ा का नाम, piazza.com। उसके बाद आप क्लिक करेंगे स्टूडेंट गेट स्टार्टेड के ऊपर। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने कॉलेज का नेम सर्च करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे किंग्स इंटरनेशनल, तो ऑटोमेटिकली कॉलेज का नाम लिखा आएगा जिसके आगे 4 क्लासेस लिखा, आपने इसको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, और अगर इस तरह का कोई चीज़ ओपन हो जिसको कैंसिल कर दें। सबसे पहले आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे fall 2019। उसके बाद अपनी क्लास का नेम लिखेंगे, अभी क्लास का नाम था डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, इसको क्लिक करेंगे। ज्वाइन एज अ स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। आपका एक्सेस कोड क्या था, BCS, BCS 2301। ये लिखने के बाद, चूंकि आपकी और कोई क्लास नहीं है मेरे साथ, तो आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद ज्वाइन क्लासेस के ऊपर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अपनी ईमेल लिखनी है। चूंकि मेरी ईमेल पे ऑलरेडी एडमिन का अकाउंट बना हुआ, तो मैं किसी क्लाइंट की ईमेल के ऊपर काम करने वाला हूँ। आप लोग अपनी ईमेल लिखेंगे, ठीक है। मैं दोनों पे यहाँ पे लिखूंगा और लिखूंगा सबमिट ईमेल पे क्लिक करूँगा, ठीक है। जब मैंने सबमिट ईमेल पे क्लिक किया है तो मुझे कह रहा है कि आपका वैलिडेशन कोड आप अब यहाँ पे सबमिट करवाएंगे। वैलिडेशन कोड वो कोड होगा जो मेरे ईमेल अकाउंट के ऊपर प्याज़ा वालों ने सेंड किया होगा। चलें चेक करते हैं चल के। ये देखिए, मुझे प्याज़ा वालों की ईमेल रिसीव हुई है, मैंने इसको क्लिक किया, उन्होंने बोला ये आपका एक्सेस कोड है या वैलिडेशन कोड है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद दोबारा प्याज़ा के ऊपर आऊँगा और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, और सबमिट कोड के ऊपर क्लिक करूँगा। जब मैं सबमिट कोड के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो बोलेगा कि अपना नेम और ये सारा कुछ सिलेक्ट कर दें। मैं यहाँ पर जर्नल रख रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। और अभी आप लोग अपना हिसाब से रखोगे, मैं तो जनरली अपना लिख रहा हूँ। ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप लोग लिखोगे अंडर ग्रेजुएट, क्योंकि आप लोग अंडर ग्रेजुएशन में मेजर में आप रखोगे कंप्यूटर साइंस, ठीक है। किस महीने तक आपका डिग्री पूरी होगी, आप भी फिलहाल अप्रैल लिख दो या मार्च लिख दो, और 2022 लिख दो, यह आपकी मर्जी है। उसके बाद आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, और उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो लास्ट आपका जो पेज आएगा उसमें बोलेगा कि आप दूसरे स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयर से बात करना चाहते हो। करंटली तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, बाद में हम लोग दोबारा सेट कर लेंगे। हम डोंट जॉइन द नेटवर्क के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक कर लेंगे तो ये आप लोगों का प्याज़ा जो है वो आ गया, ठीक है। और आज के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को लेक्चर्स मिलेंगे वो इसी तरीके से मिला करेंगे, और इसी तरीके से आप लोगों ने मुझसे कोई रابطہ करना है। अब मिसाल के तौर पर आप में से कोई बच्चा मुझे असाइनमेंट सेंड करना चाहता है, या मिसाल के तौर पर मुझसे सवाल पूछना चाहता है, या क्लास वालों से सवाल पूछना चाहता है, तो वो किस तरह होगा वो भी देख लीजिए। ये न्यू पोस्ट का बटन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिसाल के तौर पे मुझे क्या इशू है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ लेस मार्क्स, सपोज करो कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ पे जो ऊपर फोल्डर्स बने हैं वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन जब आप थोड़े एक या दो दिन तक देखोगे तो यहाँ पे फोल्डर्स के नाम होंगे असाइनमेंट्स, क्वेश्चंस, रिजल्ट्स और बाकी सारे। आप लोगों ने अगर असाइनमेंट भेजनी है तो असाइनमेंट वाले फोल्डर पर क्लिक करोगे, कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन वाले फोल्डर पर क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली पोस्ट टू इंटायर क्लास, का मतलब ये है कि जो सवाल आप लिखने जा रहे हो, पोस्ट करने जा रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो पूरी की पूरी क्लास देख सकती है, ठीक है। अगर आप इंस्ट्रक्टर पे क्लिक करती हो तो या करते हो तो ऑब्वियसली बात है, चूंकि इंस्ट्रक्टर आपका यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ, तो आपको यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने जो बात लिखनी है वो आप डिटेल इंफॉर्मेशन लिखो यहाँ पर, ठीक है। मैं करंटली जो है वो इंस्ट्रक्टर का कह रहा हूँ, और उसके बाद बाकी जब सारा कुछ डन हो गया तो आप ये क्या करोगे, पोस्ट माई क्वेश्चन टू BCS 2301, इस पर क्लिक करोगे। वो कह रहा है कोई फोल्डर सेलेक्ट कर दो, मैं फिलहाल जो है ना अंदर का फोल्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन बाद में आप लोग जो है क्वेश्चन जब पूछोगे तो क्वेश्चन का फोल्डर आया होगा वो सिलेक्ट करोगे, ठीक है। देखिए मिसाल के तौर पर देखें कि जिस तरह आप लोगों ने एक सवाल जो है वो मुझे सेंड किया है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो मुझे कैसे रिसीव होता है।
ये देखिए, मुझे एक स्टूडेंट ने मुझे एक सवाल भेजा है जो मैंने ही भेजा था किसी और ईमेल अकाउंट को यूज़ करते हुए। ये मुझे अकाउंट से जो है बेसिकली ईमेल रिसीव मैसेज रिसीव हो गया। अगर मुझे कोई आंसर देना है तो मैं यहाँ से नीचे आंसर दूंगा तो वहाँ पे आपको जाके मिल जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे प्राइवेसी होती है, कोई मैं किसी भी स्टूडेंट की आईडी के ऊपर क्लिक करके नहीं चेक कर सकता कि उसका क्या अकाउंट है, क्या नेम है, क्या ईमेल अकाउंट है, ऐसा कुछ भी वहाँ पे रिलीज नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन क्वाइट इनफ होगी आप लोगों के लिए कि किस तरह का प्याजा का अकाउंट होता है। और जब भी कोई लेक्चर आपका अपलोड होगा आपको ईमेल आएगी। अगर आप लोगों ने एप्पल या एंड्रॉयड पे ऐप भी डाउनलोड किया तो वहाँ पे भी नोटिफिकेशन आएगा जिस तरह व्हाट्सएप पे आता होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस जगह जहाँ पे मेरा माउस हिल रहा है इस जगह पे आपको लिखा हुआ आएगा लेक्चर नंबर 1। और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की फाइल बनी हुई लिखी आएगी, डाउनलोड स्लाइड का बटन होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वो स्लाइड या वो नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई मसला होता है वो इसी तरह मुझे दोबारा मैसेज कर सकता है न्यू पोस्ट के ऊपर। मैं आप लोगों को विद इन 24 आवर्स रिप्लाई करने का ज़मीन हूँ। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत, अल्लाह हाफिज़।